हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आइए डिस्कस करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए स्टूडेंट, प्रतिरोधों का संयोजन करने के लिए हमको कई प्रोसेस हम लगा ले सकते हैं। एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है क्या, दोनों का मिक्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्सिंग होती है। कैसे होता है तो हम लोग पहले डिस्कस करने वाले हैं किसका, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं आइए देखिए, पहले श्रेणी क्रम कैसे पहचानते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट मेरे पास ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक दो तीन। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन कैसे पहचानेंगे, जब किसी रेजिस्टेंस का, इसको मैं R1 बोलता हूँ, इसको R2, इसको R3, जब किसी रेजिस्टेंस का पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, ध्यान दीजिए, जब किसी प्रतिरोध में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ठीक है, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा, दूसरे का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से अगर अटैच हो, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हमने अप्लाई कर दिया किससे स्टूडेंट्स, हमने इसे लगा दिया एक वोल्टता स्रोत वी से कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस वी। और याद रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से धारा आई जाएगी, ठीक है, और इसके क्रॉस वोल्टता, प्रतिरोध R1 के क्रॉस वोल्टता V1, R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 एंड R3 के क्रॉस वोल्टेज V3। सर ये ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया गया है कि श्रेणी कॉम्बिनेशन में करेंट ऑलवेज सेम होती है, बट पोटेंशियल डिफरेंट होता है। यानी क्या, इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंट, या कह सकते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज डिफरेंट ईच टर्मिनल बट करेंट ऑलवेज ऑलवेज सेम। श्रेणी कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है, भिन्न होते हैं, बट करेंट क्या होता है, सेम होते हैं। और इसके क्रॉस स्टूडेंट याद रखिएगा, श्रेणी कॉम्बिनेशन में जो एमीटर को लगाते हैं, यहीं पर मैं एक एमीटर लगा देता हूँ ए,
इसी श्रेणी में जोड़ देते हैं। ओके, ये करेंट को मेजर करता है। तो हम करने वाले हैं क्या, ड्राइव देखिए यहाँ से, यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम के नियमों का प्रयोग करने पर, वेयर वी नो दैट, वी नो दैट V इजकल टू आई आर, हियर R इजकल टू V अपान I। ओके, ये ओम्स लॉ होता है। सो हम अभी जानते हैं क्या कि श्रेणी कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट है एंड करेंट क्या है ऑलवेज सेम है, तो इस टर्मिनल में भी करेंट I ही जाएगी, इसमें भी आएगी करेंट I, बट वोल्टेज देखिए सबका क्या है डिफरेंट डिफरेंट है। तो स्टूडेंट जो डिफरेंट होगा उसको हम लोग ले लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे इसका ड्राइवेशन कर लेंगे। ओके, तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, सो मैं क्या ले रहा हूँ, जो डिफरेंट है यही बोलता क्या है, तीनों में बटी हुई है ना, तो लेंगे क्या, हियर वी इजकल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर और भी कनेक्शन लगे हुए हैं तब। तो क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ से, वी इजकल टू आई आर, V1 इजकल टू I, तो सेम रहेगा सब में I, और इसके क्रॉस रेजिस्टेंस क्या है R1 प्लस I R2 प्लस I R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसमें I क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, सो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, I से I कैंसिल आउट, सो R इजकल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट डॉट डॉट। ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इससे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं श्रेणी कॉम्बिनेशन का। तो यहाँ पर याद रखिएगा श्रेणी कॉम्बिनेशन में धारा जो होती है वो समान होती है और वोल्टता क्या होती है अलग अलग होती है, ये क्लियर है। करेंट को किससे मेजर करते हैं, अमीटर से, और एक होता है गैल्वेनोमीटर से। करेंट को मेजर किससे करते हैं स्टूडेंट्स, करेंट मेजर्ड बाय अमीटर आर गैल्वेनोमीटर, ओके गैल्वेनोमीटर। हम लोग करेंट को अमीटर से और गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं। सर इसमें दोनों में डिफरेंट क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंट ये है कि अमीटर जो मेजर करता है वो हाई करेंट को मेजर करता है, ओके, एंड जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा ये क्या मेजर करता है लो करेंट को। ये अमीटर जो है वह हाई करेंट को मेजर करता है, क्या कैमरे में दिख रहा है एक बार चेक कर लिया जाए, ठीक है